ये ऑपरेशन तो करूँ ना पड़ो। कल आप देख रहे थे उधार जो बाइक ली थी, वो बाइक की चाबी मुझसे खो गई है वहीं पे कहीं ऊपर। क्या नाम है आपका? नाम ही नहीं बता अपना। बता दूँ, मेरी आमा एक्सपायर हो चुकी है और बहुत गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल? जैसे कि सब बढ़िया होंगे, तो बढ़िया ही होनी चाहिए। तो मैं कल की वीडियो अपलोड पे लगा दी है, तो नेट थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम लगेगा, तो आपको अभी थोड़ी देर में लाइव हो जाएगी। तो बाकी अभी मैं सुबह उठ चुका हूँ, तो अभी मैंने जाना है थोड़ा छाँस लेने, जिसको मट्ठा बोलते हैं, और लस्सी, और ये हाथ में कट्टा है, तो ये मैं जा रहा हूँ खाद लेने पार की तरफ। ये है पार, वो जो घर दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्योंकि धूप बहुत तेज़ आ रखी है आज। ठीक है, वहाँ जाना है, तो खाद हाद लाता हूँ और छाँस साँस लाता हूँ, फिर मिलते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे रास्ते से आ गए हम पार की तरफ। जी भाई, क्या हो रहा है? राम है आम उसे से आम क्यों? क्या नाम है आपका? नाम ही नहीं बता अपना। क्या नाम है आपका? पता नहीं आपका क्या नाम है? पता नहीं, नहीं लग रहा। आइडिया का पैसे तो है, 81 रुपए है इसमें। वो पोर जो खिताशी है पैसे, वो किल नागने तो कहाँ लोगों से बताओ? दे उन्हें लगो उधर, दे विशाल लगो उधर। विशाल? नहीं विशाल जो था इनके मी बंद है क्या किलो? दोहर उनका सिम बंद होगा ना, आपका थोड़ी ना है। अच्छा हाँ, उन्होंने रिचार्ज नहीं कराया होगा। क्या है भाई इसमें, नंबर ही नहीं है। बॉबी है, दीवान है, दिली बॉबी हो लगा था। लो लग जा, लो तो ये वो कराना पड़ेगा रिचार्ज, ये आउटगोइंग वाला रिचार्ज होता है ना, आउटगोइंग वाला रिचार्ज होता है ना, वो कराना पड़ेगा, फिर जाके चल जाएगा तुम्हारा। कदू कितने बड़ा? अब ये आइडिया जियो नॉल हो, कदू नाल आइडिया सिमन बा मेरे पास। अब सब जियो वाले ठहरे, ये तो स्विच ऑफ करना, स्विच ऑफ करना, स्विच ऑफ करना। उस पुराने सिस्टम वाला फोन था वो, मजा आया ना चला के। और ये लक्षित, आपका नाम क्या है बताओ तो जरा। नाम ही नहीं पता इसको, देख लो दोस्तों, नाम ही नहीं पता इसको। कहाँ जा रहा है फिर अभी, ये भी नहीं पता होगा कहाँ जा रहा है। हाँ स्कूल का पता है, अपना नाम नहीं पता। और आपका नाम क्या है हीरो? क्या नाम है? क्या नाम है? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में जा रहा है,
लेते हैं छांस और खाद, फिर चलते हैं घर को। कैसे कट रही ठंडी फिर है? ठंडा तो बहुत हो गया है। हमारा ऐसे ही हो रहा है, घर में आमा बीमार, मम्मी बीमार, मम्मी का ऑपरेशन फंस गया। मैं मम्मी को पहले खून चढ़ेगा तभी तो होगा, पहले खून वून चढ़ाएंगे। एक बार कौन कर रहा फिर वही बड़ी मम्मी और है पंजाब वाले। हाँ बड़ी मम्मी है, बड़े पापा है, भाभी है, उसके का आपके चाचा के वहाँ ताऊ जी हुए, सब बड़े बाबा हुए। ताऊ जी उनके वहाँ रह रहे हो, उनके घर में। देखो दोस्तों ये हमारे वहाँ का एरिया है, जो चाची आया इनके घर में, ये भी ताई हुई, पापा तो सबसे छोटे हुए। ये इनके घर में कैसे रहेंगे, इनके घर, ये तो ये घर ही हुए यहाँ पे, वहाँ बच्चे हुए और छोटा वाला हुआ वो अकेला हुआ, अब वहाँ दूसरे के दूसरे बड़े पापा और के वहाँ रह रहे हैं। ये जो गोविंद ताऊ और सन, नरेश भैया और सन, वो आते जाते रूनी वहाँ। हाँ तभी तो गाइस मैं आपको स्टॉल दिखाता हूँ बाहर का कैसा दिखता है स्टॉल जहाँ मैं रहता हूँ। ये है डेट अभी नहीं ऑपरेशन, अभी पहले ब्लड चढ़ेगा। 6 यूनिट जो था, 6 यूनिट ब्लड था, इंजेक्शन लगा लोगों के, थोड़ा मतलब ठीक हुआ है। अभी एक बोतल फिर भी चढ़ानी पड़ेगी ब्लड की, तब जाके होगा कुछ, फिर जाके ऑपरेशन की डेट फिक्स होगी, फिर देखता हूँ मैं जा सकता हूँ। हाँ जाना पड़ेगा यार मुझे, है ठीक तो है, ये ऑपरेशन तो करूँ ना पड़ो तो वो है कि ना, वो रसोली है कि ना, गांठ की गांठ बच्चा दानी में हो। आई नाना चंद, अगर वो नहीं इलाज किया तो फिर कैंसर हो जाता है उससे, करूँ पड़ो ना आज ने तो करोना पड़ा तभी मगर जाना पड़ा। तो दोस्तों मैंने सामान ले लिया है, तो मैं चलता हूँ। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ, हाथ में इतना सामान है कि पूरा गीला हो गया छांस लाने में, तो सामान है ठीक है। ये हमारा जहाँ ये पीला ये दिख घर है, ये हरसोल है हमारा गांव ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ और मिलते हैं घर में ठीक है। तो वैसे मैं पहुँच चुका हूँ घर, जैसे कि कल आप देख रहे थे उधार जो बाइक ली थी, वो बाइक की चाबी मुझसे खो गई है वहीं पे कहीं ऊपर रास्ते पे। मैंने कल पता नहीं दी नहीं दी, जेब से निकाली नहीं निकाली, पता नहीं कहाँ गई, अभी ढूंढनी पड़ेगी नहीं तो वो सर चढ़ जाएगी मेरे। ढूंढते हैं बाइक की चाबी, मिलते हैं बाद में। तो गाइस मैं आया था ऊपर चाबी ढूंढने के लिए बाइक की, जो बाइक वो खड़ी है वो देखो, वो बाइक जो खड़ी है उसको बाइक की चाबी ढूंढने आया था, वो मिल चुकी है, इसलिए थोड़ा सांस में सांस आई ठीक है। ये देखो इतने बच्चे आ गए थे बाइक की चाबी अभी ढूंढने, हाई कर दो सब, हाई कर दो, हाई कर दो, इतने छोटे छोटे बच्चे आए थे वो दुकान में खड़े हैं वो भी। चलो मिलते हैं बाद में। एंड गाइस मैं पहुंच चुका हूं खेत पे, वो खाद जो सुबह लेके आया था वो खाद मैंने यहाँ बड़े पापा को दे दी है, वो खाद डाल रहे हैं जो हमारे गांव के ताऊ जी हैं। घर से आया हूं नीचे जो खेत थे हमारे उन खेतों में आया खाद डाल रहे हैं। ये खाद डालने का भी एक तरीका होता है, ये मैंने नहीं कम मेरे बस की नहीं थी, बस की नहीं मतलब कभी फेंका नहीं था इसलिए, तो अभी वो डाल रहे हैं। तो बाकी खाद फेंकने के बाद फिर घर को जाएंगे, फिर मिलते हैं आगे। चलो तो हाँ जी गाइस मैं आपको बता दूँ मेरी आमा एक्सपायर हो चुकी है और बहुत अजीब दिन चल रहे हैं, अभी पापा को जाए 1 महीना भी नहीं हुआ था, आमा एक्सपायर हो गई है दोपहर तकरीबन 12 बजे। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो बाय बाय।